हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देखिए सुबह हो क्या टाइम है। मैं हमेशा बोलती हूँ सुबह का टाइम है, मतलब 10:25 हो रहा है। अभी मैं शॉपिंग जा रही हूँ थोड़ी, और सोनी भी रेडी है, और मैं शॉपिंग से आ जाऊंगी तो बापी स्कूल जाएगा। तो मैं अभी शॉपिंग जा रही हूँ, इसी टाइम से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चलो सोनी को थोड़ा सू वगैरह पहना के फिर मैं शॉपिंग के लिए निकलती हूँ, आके फिर आप लोगों से मिलती हूँ कि मैं शॉपिंग से क्या क्या लाई। सोच रही हूँ दिवाली के लिए कुछ खरीदारी कर लूँ, तो चलो चलते हैं। देखो, तो चलो गई, चलते हैं, मिलते हैं आके। डोर बंद कर दे। गाड़ी गाड़ी में जाए। किसी की गाड़ी है? क्या गाड़ी है वो? गाड़ी पक्का? गाड़ी पक्का। तो हेलो गाइस, अभी मैं शॉपिंग से घर में आ चुकी हूँ, और दिवाली की कोई ख़रीदारी नहीं की, क्योंकि जहाँ से ख़रीदना था मुझे वो भैया शॉप के भैया नहीं थे। तो मैं आ गई सब्ज़ी वगैरह लेके, सब्ज़ी लेके अब क्या क्या मैं लेके आई हूँ वो दिखा रही हूँ। और कल जाऊँगी दिवाली के ख़रीदारी लाऊँगी, कुछ तोरण वगैरह लाऊँगी घर का सजाने के लिए, कैंडल्स और लाइट लेके आऊँगी। तो अभी मैं क्या लाई हूँ वो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए गाइस, मैं लेके आई हूँ, अभी बैग से निकाल के रखी हूँ इसको, फिर फ्रीज में स्टोर करूँगी, जो धोने का चीज़ें धो लूँगी और रख लूँगी। यहाँ पर देखिए मैं गोभी लाई हूँ, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों लाई हूँ, बैंगन लाई हूँ, टमाटर लाई हूँ, और ये है लौकी, ये है सब्जी, हरी सब्जी यही है, और हरी मिर्ची लाई हूँ, 10 का महंगा बहुत सारा हो गया, और लहसुन लाई हूँ और अदरक लाई हूँ। सब्जियों में इतना लाई हूँ, यही 300 का हो गया मेरा सब्जी। और मैं राशन में लाई हूँ यहाँ पर चीनी और दाल, और ये मेरे बिस्किट लाई हूँ, मैं चाय में खाती हूँ, पसंद करती हूँ टोस्ट, और ये वाली बिस्किट सोनी भी खाती है। अभी बिस्किट ख़त्म थी, ख़त्म है, जो घर से लेके आए थे बेकरी वाला, मेरे देवर जी लाए दे थे, वो एक ही पैकेट पड़ा है। और मैं टोस्ट भी लेके आई थी, वो ख़त्म हो गया है, तो टोस्ट और ये लेके आई हूँ। ब्रेड लाना था, नहीं था ब्रेड, और बस यही चीज़ लाई हूँ। और एक सोनी के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, और ये खिलौना लेके आई है, देखिए सोनी खुश है, उस दिन रो रही थी, मिक्सी के लिए बस ग्राइंडर के लिए उनके घर से उठा के लेके आई थी, तो उसकी देखिए खिलौना लेके आई हूँ किचन में। और एक सेट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक ग्राइंडर नहीं था, तो मैं इसीलिए यही वाला सेट लेके आई हूँ। कितनी सुंदर सुंदर लग रहा है देखिए खिलौना। चलो गाइस, अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि 11:30 हो गया है। खाना में क्या बनाऊँ वो सोच रही हूँ, दाल बनाऊँगी, सब्जी कुछ बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। सब्जी तो लौकी है, गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी बना दूँगी, सूखी फ्राई भजी भाजी बनाऊँगी फूल गोभी की सब्जी, और कुछ नहीं, बस वही बनाऊँगी सब्जी। चलती हूँ खाने की तैयारी कर लेती हूँ।
देखिए गाइस, मैंने सब्जी सब ये कर लिया है और जो सब्जी है सिंक में डाल दी है धोने के लिए। मैं पहले ये सब सब्जी स्टोर कर देती हूँ फ्रिज में, बंद गोभी और फूल गोभी को। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से सारे जो लाई थी सब्जी और राशन जो छोटे मोटे थे बिस्किट थे वो सब मैंने रख ली है। अब मैं यहाँ पर चावल चढ़ा दी है, और चावल बोल रही हूँ सॉरी गाइस, यहाँ पर दाल है और यहाँ पर चावल है। अभी देखिए मैं सब्जी पर देखिए सारे सब्जी डाल रही हूँ सिंक के अंदर, ये सब धो के रखूंगी। पहले मैं ये बर्तन यहाँ से हटाऊंगी, सुबह का जो ब्रेकफास्ट वगैरह बने था उसी का बर्तन है, चाय ब्रेकफास्ट जो भी, वो बर्तन में पहले रख लेती हूँ। फिर ये सब्जियाँ धो के मैं यहाँ पर रख दूंगी, ये कपड़े को ड्राई करके इसमें रख दूंगी। फिर सब्जियाँ थोड़ा सूख जाएगी तो उसको फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। तो जब तक मेरी दाल और चावल बनती है, चावल भी डालनी है पतीले में बना रही हूँ, और फिर चलो कुछ सब्जी बनाऊंगी वो सोच रही हूँ। बैगन और आलू और बड़ी की सब्जी बनाऊँ लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ गोभी आलू की सूखी भाजी बना लूंगी अच्छे से, वो अच्छा लगता है बच्चों को, बापी को पसंद आता है। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ये काम कर लेती हूँ पहले। तो गाइस अभी पानी गर्म हो गई थे तो पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ, चावल धो के रख देती हूँ, फिर दूसरी काम कर लूंगी। अभी देखिए मैंने किचन का काम कर ली है, सब्जियां धो ली है, ये ड्राई हो जाने के बाद मैं इसको इस पॉलिथीन में डाल के फिर फ्रिज में स्टोर कर लूंगी। अभी मेरी चावल देखिए अभी उबला नहीं है, मैं कम आंच में बनाती हूँ क्योंकि छोटा सा डिश है, हम तीनों के लिए हो जाता है चावल। अभी ये दाल तो सीटी लग चुकी है, मैं इसको बंद कर देती हूँ और फिर मैं अभी कुछ सब्जियां बनाने की रेडी कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ गोभी ही बना लूंगी और कुछ नहीं, रात को देखती हूँ लौकी बनाऊंगी। सोनी हाय बोलो, हाय, जाओ खिलौना से खेलो जाके। तो ये देखिए गाइस, मैंने गोभी और आलू कट कर लिया है, प्याज लहसुन और हरी मिर्च कट कर लिया है गोभी और आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए। और मैं पहले यहाँ पर दाल के तड़का लगाती हूँ फिर सब्जी बना लूंगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं गोभी और आलू की सूखी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया, उसके बाद जीरा और हरी मिर्ची का तड़का लगाई, यहाँ पर प्याज डाल दी है, प्याज को थोड़ी देर भूनती हूँ, इसके बाद मैं लहसुन डाल के उसको भी थोड़ी देर भूनती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा हल्का हल्का भूनना है कलर चेंज होने तक, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सब्जी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्जी ऐड कर चुकी हूँ, फिर मैं इसके बाद यहाँ पर हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे। अभी देखिए गाइस, मैंने ढक्कन हटा ली है और सब्जी पक चुकी है, तो इसको तेज आंच में अभी भूनेंगे इसके कलर चेंज होने तक, जब तक इस ये ब्राउन ब्राउन कलर में चेंज ना हो सके हो जाए। तो ये देखिए गाइस, हमारा गोभी आलू की सूखी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है सब्जी। हाँ, और मैं एक सब्जी बनाने की सोची नहीं थी लेकिन बना ली फटाफट से। ये देखिए, ये है एप्पल, मैंने कट कर लिया, देखिए अभी भी छिलका पड़ी हुई है। ये एप्पल एक दीदी ने प्रसाद में दी थी लेकिन एप्पल कोई नहीं खाता है हम लोग, मैं भी नहीं खाती हूँ, तो इसकी मैं अभी ये टमाटर के साथ जो टमाटर की खट्टा बनाती हूँ ना,
उसी के स्टाइल में टमाटर और एप्पल मिला के वही में टमाटर और एप्पल का खट्टा बना लेती हूँ। आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। उस दिन भी बनाई थी, नहीं शेयर कर पाई थी, तो आज मैं शेयर कर देती हूँ। तो चलो टमाटर और एप्पल की खट्टा बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कढ़ाई गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। देख हाथ मत लगाओ सोनी, यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दी है। तो यहाँ पर देखिए मैं जीरा ले ली हूँ, जीरा डालती हूँ। और इसी टाइम आपको कड़ी पत्ता डालना है, मेरे पास है नहीं, तो जीरा जैसे चढ़क जाती है मैं यहाँ पर हरी मिर्च डाल देती हूँ और इसको थोड़ा भून लेते हैं। और इसको भूनने के बाद हम यहाँ पर देखिए अदरक कूट ली है, ये भी डाल देती हूँ। और इसको अच्छी तरह से भूनना है। और आपको कढ़ी पत्ता भी यूज करना है, यहाँ पर बहुत अच्छा फ्लेवर आती है। तो यहाँ पर देखिए मैं अदरक को थोड़ा भून लेती हूँ, अदरक खीरा और जो हरी मिर्ची उसको अच्छे से भून लेना है। इसको मैं भून ली है और ये कट करके रखा है जो टमाटर और एप्पल, इसको एक साथ डाल देना है। और यहाँ पर देखिए टमाटर और एप्पल को डालने के बाद इसमें मैं अभी हल्दी और थोड़ा सा ही नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको ढककर धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए मैं चटनी जब तक मेरी पक रही है, मैं यहाँ पर सारे सब्जी दो में धो के रखी थी वो सब ड्राई हो चुकी है, उसको मैं पॉलीथीन में डाल के फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। तो गाइस इसको और थोड़ी देर पकने देते हैं, टमाटर तो गल जाती है जल्दी, लेकिन एप्पल थोड़ा और गलेगी, तो इसीलिए थोड़ा और देर इसको पकने देते हैं। तो अभी देखिए गाइस यहाँ पर एप्पल मेरी पक चुकी थी, मैं अभी यहाँ पर चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी ऐड करने के बाद दो मिनट तक पकने देंगे, फिर हमारी टमाटर और एप्पल की खट्टा बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए गाइस हमारे टमाटर और एप्पल का जो खट्टा है बनकर रेडी हो चुकी है। और मैं यहाँ पर सोने की थाली लगा दी हूँ, दाल है, चावल है, गोभी आलू की सब्जी है सूखी वाली, और ये टमाटर की चटनी। तो चलो सोनी को खिलाती हूँ। और गाइस ये टमाटर की चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार प्लीज गाइस घर में ट्राई करना। बस इसमें मैंने कढ़ी पत्ता नहीं डाली है, आप कढ़ी पत्ता डाल सकते हो, और भी टेस्ट आएगा और भी खुशबू आएगी इसमें। तो ये चटनी आप एक बार घर में जरूर ट्राई करना और कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो अभी गाइस देखिए टाइम हो रहा है 3:40 और सोनी इधर बालकनी में खेल रही है। बापी आके अभी अभी खाना खाया, उसका प्लेट पड़ी है, मैं उठाने वाली हूँ, 3 आया तो आके इधर लेट गया है कंबल ओढ़ के। अभी मैं चलती हूँ, मेरे काम कर लेती हूँ। अभी देखिए किचन में क्या काम है। हम दोनों तो खाए थे, सोनी और मैं बर्तन साफ कर ली थी, बापी अभी आके खाया है। और ये जो खाना थोड़ा बहुत बच गया है इसको हम रात में खा लेंगे। और ये चटनी है टमाटर और क्या है उसका बोलते हैं, हाँ एप्पल के, ए नंगी घूम रही इधर मता। और ये चावल भी बचा है, दाल भी बचा है, इसको छोटे छोटे बर्तन में रख लूंगी और इसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। अब ये बर्तन जो पड़ा है सब साफ कर लेती हूँ, फिर झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
गाइस आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर सोनी को लेके पार्क में आ चुकी हूँ। आपसे मैंने बोला था कि मैं घर का काम ख़त्म करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी, लेकिन मैं सोनी को लेके पार्क में आ गई हूँ और घर का सारा काम मैं कर ली हूँ। बर्तन झाड़ू जो भी था मैंने कर चुकी हूँ शाम का काम। तो अभी सोनी को लेके पार्क में आई हूँ इसीलिए, क्योंकि वो 5:30 बजे ट्यूशन जाएगी, फिर खेल नहीं पाती है 2 दिन से। मैं इसलिए जल्दी लेके आ गई हूँ और बापी भी आ गया था पार्क में। वो खाना खाने के बाद फिर 4:30 बजे वो निकल जाता है खेलने के लिए, क्योंकि वो भी 5:30 बजे सोनी के साथ ही ट्यूशन जाता है। आप सब लोगों को पता है। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो जो नए हैं मेरे चैनल में, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और खुश रहना। बाय बाय।